हरे कृष्णा। सालों तक ब्रह्मचर्य कैसे करें, इसकी सीरीज चल रही है दोस्तों। ये उन दोस्तों के लिए है जो लोग बिल्कुल भी ब्रह्मचर्य नहीं कर पा रहे हैं। इसका आज हमारा एपिसोड नंबर 4 है और मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा मेरे भाइयों, आज बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जो कि आपको हमेशा याद रहने वाला है मेरे भाइयों। ये तरीका अपनाने से आप सालों तक नहीं बल्कि जीवन भर ब्रह्मचर्य कर पाएंगे मेरे भाइयों। अगर आप चाहते होंगे केवल तब कर पाएंगे, अगर नहीं चाहते होंगे तो दोस्तों नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तरीका कहता है दोस्तों, आपको केवल ब्रह्मचर्य का अर्थ याद रखना है। बस केवल ब्रह्मचर्य का अर्थ याद रख लो कि ब्रह्मचर्य क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, बस इतना कर लो, सालों तक आसानी से कर लोगे, बहुत आसान है। तो सबसे पहला काम जो ब्रह्मचर्य में होता है दोस्तों, सात्विक जीवन बिताना। सात्विक जीवन में सात्विक भोजन और साफ सुथरा और शुद्ध जीवन जीना होता है दोस्तों, जिसमें किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं लिया जाना चाहिए, जिसमें आपको केवल सात्विक भोजन लेना है। किसी भी तरह के मीट मांस मिर्च मसाला इस तरह के भोजन से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करनी मेरे भाई। अब लोग बोलेंगे भैया कि यार भोजन से हमारे ब्रह्मचर्य में क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, खा ही लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे भाइयों कोई दिक्कत नहीं है, खाओ, लेकिन दोस्तों जो सात्विक भोजन करेगा उसका मन ऑटोमेटिकली शांत रहता है और वो बहुत आसानी से ब्रह्मचर्य कर पाता है मेरे भाइयों। जो तामसिक जीवन जिएंगे मेरे भाइयों, वो ब्रह्मचर्य चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे। कैसे, जो रात में स्वप्न दोष हो जाता है दोस्तों, या अपने हाथों को रोक नहीं पाते हैं और अपने वीर का नाश कर देते हैं मेरे भाइयों, ये तामसिक भोजन वाले बड़ी आसानी से कर पाते हैं मेरे भाई। उनको वो चाहते हुए भी नहीं रोक पाते खुद को, इसलिए रात में उनको स्वप्न दोष हो जाता है मेरे भाइयों। इसलिए समझो कि आपको सात्विक जीवन जीना पड़ेगा सबसे पहला। दूसरा काम करना है दोस्तों, अपने शुभ विचारों से वीर का रक्षण करना है मेरे भाइयों। सबसे बड़ा काम और सबसे कठिन काम जो कि सभी भाइयों को लगता है, इसको करना पड़ेगा, जो कि कैसे संभव है, केवल शुद्ध विचार रखे, विचारों को शुद्ध कर लो, खुद ब खुद आपका वीर रक्षा हो जाएगी मेरे भाई। किसी भी स्त्री को केवल माता या बहन की नज़र से देखना, या फिर उनके बारे में कुछ भी अश्लील विचार ना लेके आना, अपने विचारों को हमेशा शुद्ध रखना, और किसी भी तरह की ऐसी वीडियोस को ना देखना जो कि आपके मन को ख़राब करती है मेरे भाइयों। तो बस इतना काम करने से आपका क्या होगा, आपका विचार शुद्ध होंगे और ऑटोमेटिकली आपका ध्यान गलत ओर नहीं जाएगा और आप सालों तक आसानी से कर पाओगे मेरे भाई, बहुत आसानी से। और इसमें ही आपके वीर की वैल्यू को समझना पड़ेगा कि अगर मैं इसका वीर का नाश करूंगा, आपको पहले ही ध्यान करना है मेरे भाइयों। हस्तक्रिया करने से पहले ही खुद को ये बोल लो कि मेरे भाई अगर मैं अपने वीर का नाश करता हूँ तो मुझे केवल 2 सेकंड का मजा आएगा और उसके बाद मुझे केवल और केवल गिल्ट फीलिंग होने वाली है। खुद को पहले बोल दो और समझो कि आप ये कार्य नहीं करोगे सच में, ये बहुत बड़ा सच है। तीसरा काम आपको ये करना है कि भगवान का ध्यान करना है, भगवान में मन लगाना है, भगवान के भजन करने हैं, भगवान का नाम जप कर सकते हैं, आप मंदिर में जा सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं दोस्तों, भगवान का मेडिटेशन कर सकते हैं, अच्छी अच्छी धार्मिक किताबें पढ़ सकते हैं, हमारे ग्रंथ हैं भगवद गीता पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसके लिए तो आपका भगवान में ऑटोमेटिकली मन लग जाता है दोस्तों, और जिस व्यक्ति का भगवान में मन लगेगा आसानी से, वो अश्लीलता से और कामदेव से भी जीत पाता है मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा सच है। इसलिए भगवान का ध्यान आप कर सकते हैं बहुत आसानी से मेरे भाई, बस दिन भर में जो भी काम कर रहे हो दोस्तों, भगवान को समर्पित करते हुए करो, बस भगवान को याद करते हुए करो बस कोई भी काम को, और काम करो जम के। और चौथा काम दोस्तों, विद्या ग्रहण करना, ये बहुत बड़ा काम है मेरे भाई। अगर आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ोगे, चाहे अपने करियर से रिलेटेड, चाहे धार्मिक किताबें, चाहे सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, तो आपको ये तीनों काम करने के बाद विद्या ग्रहण करनी होती है दोस्तों। जम के अपनी लाइफ में काम करो और नॉलेज को बढ़ाते रहो बस। और जैसे ही आपकी ये 3-4 काम आप आसानी से कर पाते हैं मेरे भाइयों, तो आपका ब्रह्मचर्य बड़ी आसानी से सालों तक हो पाता है मेरे भाई। और जो मैंने आपको ये 3-4 काम बताए थे आज, वो काम हमारे वैदिक धर्म में वर्णाश्रम का पहला आश्रम है मेरे भाइयों, जिसके अनुसार 0 से 25 वर्ष तक की आयु तक का होता है, और इस आश्रम का पालन 25 वर्ष तक करते हुए विद्यार्थी को अपने जीवन को जीना होता है दोस्तों। और जिसने ऐसा जीवन जी लिया, उसके लिए आगे का जीवन जीना बहुत कठिन नहीं हो जाता है दोस्तों, इसी ही जीवन में वो इंसान सफल हो जाता है बहुत पावरफुल तरीके से, और उसके शरीर में एनर्जी भी बनी रहती है, उसके शरीर में आकर्षण भी बने रहता है दोस्तों, वो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी भी बन जाता है,
और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी पावरफुल बने रहता है मेरे भाई, और वो अपनी चीज़ों पर, अपने काम पर अच्छे से फोकस कर पाता है बस इस आश्रम का यूज़ करके दोस्तों। तो आपको बस करना इतना है दोस्तों कि केवल नियम से चलना है, जैसा भगवान ने हमारे वैदिक धर्म में नियम बनाया है दोस्तों, उस नियम से अगर कोई व्यक्ति चल गया तो उसके लिए सालों तक ब्रह्मचर्य करना कुछ भी कठिन नहीं हो जाता है दोस्तों, आप बड़ी आसानी से कर पाओगे दोस्तों। बस ये छोटी सी वीडियो आपके लिए लेके आया था मैं आज। तो ये था आज का तरीका दोस्तों, बहुत आसान तरीका, अगर आपको याद रहता है दोस्तों आप कर सकते हो इसको। वेट करो अगले एपिसोड के लिए, उस एपिसोड में आपको और पावरफुल तरीके बताएंगे मेरे भाई, लगभग हर रोज आएंगे ये वीडियोस, कैसे सालों तक ब्रह्मचर्य कर सकते हैं दोस्तों, नॉट ओनली फॉर 30 दिन, 90 दिन, एक साल, कुछ भी नहीं दोस्तों, सालों तक आसानी से कर पाओगे दोस्तों। इन वीडियो को फॉलो करते रहना बस। हरे कृष्ण।